हेलो दोस्त, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टोटल वर्क सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैन कार्ड को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, पैन कार्ड को स्टेटस कैसे देख सकते हैं कि वो कहाँ पर आया है। अक्सर पैन कार्ड को आदमी ट्रैक क्यों करते हैं, लोग ट्रैक करते हैं, स्टेटस क्यों देखते हैं? अक्सर ये होता है कि आपको जल्दबाजी में कोई काम करना पड़ता है, कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है तो कराते हैं। तो अक्सर आपको हम बता दें कि आप जब भी पैन कार्ड को ऑनलाइन कराने गए होंगे तो वहाँ पर आपको ईमेल मांगा गया होगा, उस ईमेल के थ्रू आपको मिल जाए पैन कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि अत्यधिक साइबर वाले अपना ईमेल डाल देते हैं और उन पर चला जाता है, तो ऐसे आप उसके पास जाकर भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। सेकंड की इसका यूज हम पैन कार्ड को हम इसलिए ट्रैक करते हैं कि हमने ऑनलाइन कर दिया है, हमको तत्काल कोई ज़रूरत ना है तो हम स्टेटस नहीं चेक कर रहे हैं। हमको 10-15 दिन में डाक के द्वारा आपको पैन कार्ड आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो मेरा पैन कार्ड है जो 1 माह हो चुका था, वह पैन कार्ड हमारे घर पर नहीं आया था। तो हम अपने डाक में गए तो हम बोले कि हमारे 1 महीने से ऊपर हो गया है, 1 माह से ऊपर हो गया है, हमारा पैन कार्ड है जो अभी तक पहुंचाया नहीं गया है। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं आया है। तो हमने कहा ठीक है, नहीं आया है तो हम चले आने के बाद इसके बारे में हम आपको आगे बताएँगे। फ़िलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं कि पैन कार्ड को ट्रैक कैसे करते हैं, उसके स्टेटस को कैसे देखते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस ऑफ कर लें। तो पैन कार्ड को ट्रैक करने के लिए हम अपने गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। आप भी अपने मोबाइल में, अपने पीसी में गूगल क्रोम को एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। कर लेने के बाद यहाँ पर हम सर्च कर देंगे पैन कार्ड ट्रैक। पैन कार्ड ट्रैक आ गया है यहाँ पर। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NSDL से बना है, UTI से दो फंक्शन यहाँ पर हमको दिखाई दे पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने के मिल जाता है, सॉरी, स्टेटस NSDL से, स्टेटस ट्रैक स्क्रीन फॉर पैन ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL से। दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाता है UTI से, UTI ट्रैक यू पैन एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर UTI से पैन ट्रैक को करने को बताएंगे। तो यहाँ पर हम UTI से पैन कार्ड को ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के लिए हम UTI पर क्लिक कर देते हैं। कर देने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन कॉपी नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर हम कॉपी नंबर फिल कर लेंगे। आप जब भी ऑनलाइन कराने गए होंगे तो वहाँ पर आपको एक स्लिप दिया गया होगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ऐसा स्लिप दिया गया होगा। तो इस स्लिप पर कॉपी नंबर लिखा गया होगा, उस कॉपी नंबर को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कॉपी नंबर फिल कर लिया है। यहाँ पर पैन नंबर, हमको पैन नंबर है ही नहीं तो पैन नंबर कहाँ से फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन कॉपी नंबर, डेट ऑफ बर्थ भर लिए हैं। यहाँ पर हम कैप्चर फिल कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना सारा चीज़, एप्लीकेशन कॉपी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चर फिल कर लिए हैं। आपको कैप्चर को चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर कैप्चर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भर लिए हैं। भर लेने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कॉपी नंबर देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन नेम मिल जाएगा, पैन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेटस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंसाइनमेंट नंबर मिल जाएगा,
आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा इसको। आपको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी कर लेंगे। कर लेने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर चले जाएंगे। चले जाने के बाद यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लेंगे। कर लेने के बाद यहाँ पर आपको इंडियन पोस्ट लिख देना होगा। इंडियन पोस्ट लिख दिए हैं। कर लेने के बाद यहाँ पर हम जो भी एप्लीकेशन कंसाइनमेंट नंबर को लिखे हैं या कॉपी कर किए हैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर 5 मिले -2 कर देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ट्रैक नाउ कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेटवर्क है थोड़ा स्लो है। यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क है हमारा जो है स्लो है। यहाँ पर वर्क कर रहा है, आपको कुछ देर में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ देर वेट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सक्सेस हो चुका है। इसको देखने के लिए हम डेस्कटॉप साइज को ऊपर क्लिक कर देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई से बीएनपी एलएसपीएचयू से आइटम बुकड हो चुका है। यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। पिन कोड यहाँ पर आपको अस्थाई पता मिल जाएगा, आपने जहाँ पर मंगाया होगा वो सारा देखने को मिल जाएगा। डिलीवरी लोकेशन, डेट, आपने देखा कैसे हम आसानी से पैन कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो हम बता देते हैं दोस्त, हम जब गए पैन कार्ड वाले के पास स्क्रीनशॉट लेकर, तो वो बोला कि हाँ पैन कार्ड ट्रैक हुआ, हाँ पैन कार्ड यहाँ से दूसरे जगह पर चला गया है, हम पैन कार्ड को मंगा देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन से प्रेस वॉश कर लें।